तो गुड इवनिंग, फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में, वेलकम इन मास्टरमाइंड में। रोज की तरह कुछ आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो आज का जो न्यूज आ रहा है गो एयर की तरफ से आ रहा है, बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है। तो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि जो गो एयर के जो अपडेट आ रहा है वो क्या अपडेट आ रहा है, और गो एयर ने जो रिफंड को लेकर कुछ बातें कही है इस वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा। तो वीडियो पर बने रही है, क्योंकि रिफंड को लेकर सभी को मुझे पता है कि गो एयर का रिफंड को लेकर आप बहुत से ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर जो बहुत परेशान है, ना उनका कॉल लगता है ना उनसे कांटेक्ट होता है। तो गो एयर वाले ने कुछ यहाँ पे अभी जो फ्लाइट का जो शेड्यूल है और कुछ रिफंड को लेकर यहाँ पे बातें बताई है, और जो नई फ्लाइट को लेकर कुछ बातें बताई है कि गो एयर अभी जो सर्विसेज स्टार्ट कर रहा है, नई सर्विसेज स्टार्ट कर रहा है वो कब से कर रहा है, और जो नॉर्मल जो डोमेस्टिक फ्लाइटें हैं गो एयर की वो कब से शुरू हो रही है, इसके बारे में हम फुल जानकारी यहाँ पर बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। तो वीडियो पर पहले आपसे ये बोलता हूँ कि वीडियो पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतने बार करता हूँ आप लोग एक भी देखते हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे आगे चल के मोटिवेट फील होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पूरा न्यूज़ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो गो एयर ने शनिवार से शुरू हुई घरेलू नेटवर्क में 100 से अधिक उड़ानों को जोड़ा है, ठीक है। गो एयर 5 सितंबर से शुरू होने वाली किसी भी उड़ान को रद्द नहीं करेगा। याद रखिए, गो एयर ने साफ बोल दिया है कि हम जो 5 सितंबर से जो भी फ्लाइटें शुरू हो रही है उसको रद्द नहीं करेगा, जिससे ग्राहक को असुविधा का सामना ना करना पड़े। अगर भविष्य में ऐसा होता है, याद रखिए गो एयर ने बहुत बड़ी बात बोल दी है, अगर भविष्य में ऐसा होता भी है तो हम यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक को उसका पैसा फुल रिफंड किया जाए। अगर आप गो एयर का फ्लाइट का टिकट ले लेते हैं, लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कभी होता है कि गो एयर के कारण उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो उन्होंने पूरा बोला है कि भविष्य में ऐसा कभी होता है तो हम पूरे कस्टमर को हम पूरे पैसे उसके रिफंड कर देंगे। तो याद रखिए, क्योंकि पहले जो भी इसकी फ्लाइटें कैंसिल हुई थी उनका अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो इसलिए गो एयर शायद ऐसी कुछ प्रॉमिसें कर रहा है। देश के सस्ते हवाई सफ़र करने वाली एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने शनिवार से शुरू हुई घरेलू नेटवर्क में 100 से अधिक उड़ानों को जोड़ा है। इस उड़ानों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी, जयपुर, पटना, रांची, गुवाहाटी, चंडीगढ़, श्रीनगर, लेह और जम्मू के से नए कनेक्शन शामिल किए गए हैं। गो एयर को उम्मीद है कि 21 सितंबर तक उसकी परिचालन क्षमता कोविड-19 से पूर्व के 45% तक पहुंच जाएगी। वह 15 अक्टूबर तक परिचालन क्षमता को बढ़ाकर वह 60% तक पहुंचा देगी, ऐसा गो एयर का कहना है। गो एयर मुंबई से दिल्ली के लिए 2 दैनिक उड़ानें जो बता रहा हूँ, आप देख लीजिए कहाँ के लिए कब से कब की उड़ानें हैं, ठीक है। तो गो एयर मुंबई से दिल्ली के लिए 2 नए दैनिक उड़ानें, मतलब रोज़ के लिए, और मुंबई से अहमदाबाद, चेन्नई, नागपुर, पटना, रांची, वाराणसी और जयपुर के लिए 1 दैनिक सेवा संचालित करेगा, मतलब 1 दिन रोज़ सेवा वो संचालित करेगा, मतलब करेगा। इसी तरह एयरलाइंस मुंबई से लखनऊ के लिए सप्ताह में 4 उड़ानों को वो चला रही है, ठीक है। गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशिक खोना ने एक बयान में कहा कि घरेलू विमान उद्योग की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, कई राज्यों द्वारा यात्रा पर अंकुश हटाए जाने के बाद इसमें सुधार की उम्मीद है। ये नहीं, उड़ानों हमारे घरेलू नेटवर्क और मजबूत करेगी, जिससे हमारे ग्राहक को अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा भी है कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गो एयर 5 सितंबर से शुरू होने वाली है, किसी भी उड़ान को रद्द नहीं करेगा, जिससे ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़े। अगर भविष्य में ऐसा होता भी है तो हम यह भी सुनिश्चित करें कि ग्राहक को उसका पैसा फुल रिफंड कर दे। तो गो एयर ने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन कौशिक खान को ज़रूर सोचना चाहिए कि इसके पहले का जो पैसा रिफंड नहीं हुआ है उन लोगों का, तो उन लोगों का पैसा प्लीज़ उनका पैसा रिफंड कर दिया जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि जो गो एयर में जिनके पैसे भी फंसे हुए हैं शायद उनका रिफंड मिल जाए। तो बस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक यू।